स्वर्ण व्यवसायी का अपहरण कर रुपए व ज्वेलरी लूट मामले का हुआ खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में 6 साथी लुटे गिरफ्तार। व लूट के रुपए व ज्वेलरी तथा 3 तमचा व जिंदा खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन एक विकनार कार बरामद। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक महोदय सुशील गिरे के निर्देशन में घोषित थाना पुलिस द्वारा छिनैती में लिप्त 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर कब्जे से लूट के 41,000 रुपये व सफ़ेद धातु, 23 नग की लिपिल धातु, कान की झाली 150 मिलीग्राम, 3 तमचा जिंदा खोखा कारतूस व घटना प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन M1 आल्टो कार को बरामद किया है। आपको बता दें, विगत कई दिनों से लूट की बढ़ती घटनाओं क्रम में आज घोसी में लूट की घटना में पुलिस अधीक्षक महोदय ने अनावरण हेतु दिशा निर्देश जारी किए थे। उसी दिशा निर्देश के तहत आज इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गया है। ये आप सब जानते हैं कि 14 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें घोसी थाना क्षेत्र में चंदापार जगह पड़ती है, वहाँ के एक शराब व्यवसायी, उनको एकांत में एक स्कॉर्पियो में आए लोगों ने गाड़ी में बिठा लिया था और उनको लेकर लगभग रात में 1 बजे तक वो घूमते रहे। उनसे दुकान की चाबी लेकर वो पुनः दुकान में आए और दुकान से कुछ सामान और उनके पास जो पैसा था उसको उन्होंने लूट लिया। ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी, इसको देखते हुए तत्काल टीम को एक्टिवेट किया गया था और इस घटना का आज अनावरण हुआ है, जिसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 5 अभियुक्त वो है जो कि घटना में सीधे तौर से सम्मिलित थे, जो कि घटना को अंजाम देने में साथ रहे हैं, स्कॉर्पियो में रहे हैं, दुकान पर आए हैं और सामान लूट लिए। इसके अलावा एक अभियुक्त वो भी है जो कि इस घटना से संबंधित जो भी माल था उसको उसने खरीदा था और इन लोगों को उसका माल खरीद करके, चोरी का माल खरीद करके जो पैसा दिया है वो भी एक अपराध है, उसके तहत उसको गिरफ्तार किया है। ऐसे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सर, जो खरीदा था उसका डिटेल उसमें इस संबंध में एक सत्यानंद बोल के जो अभियुक्त है वो अभियुक्त है जिसने ये सामान खरीदा था, तो उसको चोरी का माल खरीदने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और बाकी 5 लोगों को जो लूट की घटना जिन्होंने अंजाम दी थी उसमें गिरफ्तार किया है। टोटल इस घटना में जो सामान गया था उसमें से 41,000 रुपये बरामद हुए हैं और 5 किलो लगभग चांदी है जो सफ़ेद धातु है उसके आभूषण बरामद हुए हैं, 23 नग पीली धातु जो संभवतः सोना है इसका टेस्ट बाद में कराया जाएगा, कान की झाली ये बरामद हुई है। इन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस मुठभेड़ में हुई है, इसमें से 3 लोगों के पास से तमंचा भी मिला है, खोखा कारतूस भी मिले हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका इस्तेमाल इन लोगों द्वारा इस घटना को पारित करने में किया गया, जिसको लेकर के ये व्यापारी को लेकर घूमे और आजमगढ़ में उसको फाइनली रात में 1 बजे छोड़ा गया, वो गाड़ी भी बरामद हुई है। इसके अलावा जब पुलिस मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार किया गया तो एक और गाड़ी इन लोगों से बरामद हुई है जो कि अल्टो कार है, उसके संबंध में भी तहकीकात चल रही है कि वो गाड़ी कैसी है, चोरी की तो नहीं है। इस तरीके से 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक खरीदने वाला, 5 घटना को अंजाम देने वाले और घटना में प्रयुक्त गाड़ी और लगभग 90% सामान जो गया था वो बरामद हो चुका है। कुल कितने की लूट हुई थी, कितने की कीमत क्या होगी जो सोना चांदी बरामद हुआ है? जो अभी सोना चांदी बरामद हुआ है उसको हम चेक करवाएंगे, क्योंकि जो धातु है वो पीला धातु बरामद हुआ या चांदी सदृश धातु बरामद हुआ, जब इसकी टेस्ट होती है उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि उसकी क्या कीमत है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। लूट कितने की हुई थी? लूट लगभग जो गया था 58,000 रुपये उनके गए थे और 5 किलो चांदी गई थी वो पूरी बरामद हुई है और सोना जो गया था वो भी चीज़ें लगभग पूरी बरामद हुई है और स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका इस्तेमाल किया गया था इस घटना में, जो वादी ने पहचानी भी है, उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। पूरे टीम ने, इसमें बहुत चैलेंजिंग घटना थी, 14 दिन में 2 हफ्ते में ही उन्होंने एक चैलेंजिंग घटना का अनावरण किया है और लगभग सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। 2 अभियुक्त इसमें अब वांटेड है, उनको आगे गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। टीम को हम इसमें 25,000 के इनाम से पुरस्कृत भी कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 2 हफ्ते में इस घटना का नाम किया। क्या सभी अपराधी जनपद के हैं? नहीं, इसमें 2 तरीके के हैं, कुछ अपराधी इसमें से आजमगढ़ के हैं और कुछ अपराधी जो है घोसी के हैं, जो बगल बगल के थाने हैं जीएनपुर घोसी, उस तरीके के अपराधियों का मिलकर ये विरोध बना।